फेमस टीवी शो दिया और बाती हमसे घर घर में मशहूर हुई आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी यानी एक्ट्रेस दीपिका सिंह अपने नए अवतार को खूब एंजॉय कर रही हैं। दरअसल बेटे के जन्म के बाद उन्होंने काफी वजन गेन कर लिया था। उनका वजन 73 किलो हो गया था, पर अब उन्होंने अपना वजन काफी कम कर लिया है। उनका यह ट्रांसफॉर्मेशन हैरान कर देने वाला है। वो पहले से भी ज्यादा फिट और ग्लोइंग लगने लगी है। उन्होंने डिलीवरी के 40 दिन बाद ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। उस वक्त उन्हें बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगी, जिसके चलते 7 महीनों में ही दीपिका ने अपना वजन 52 किलो कर लिया था। वर्कआउट और जिम सेशंस दीपिका को बहुत पसंद हैं, जिसका असर साफ देखा जा सकता है। वो अपने बेटे सोहम का भी ध्यान रखती हैं और योगा और वर्कआउट से खुद को फिट भी रखती हैं। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में दीपिका सिंह ने प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस के लिए कुछ टिप्स शेयर किए हैं, आइए बताते हैं आपको भी। दीपिका कहती हैं, किसी काम के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। टीवी सीरियल दिया और बाती हम की शूटिंग के दौरान मैं काफी फिट थी और मोटिवेट रहने के लिए मैंने अपने मोबाइल पर उन दिनों की अपनी तस्वीरें वॉलपेपर के रूप में लगा ली थी और अपने कमरे में भी मैंने तब की कुछ तस्वीरें दीवार पर लगा ली थी। मैं हर वक्त उन्हें देखा करती थी और दोबारा से फिट होने के बारे में सोचती रहती थी। पुराने कपड़े और तस्वीरें मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। ऐसा ही कुछ आप भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं। कई तरह के पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाने के कारण वे थकावट महसूस करती हैं और वर्कआउट नहीं कर पाती हैं। दीपिका कहती हैं, बेटे के जन्म के बाद मैंने अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराया था और शरीर में जिस पोषक तत्व की कमी थी उसे डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट के रूप में लेना शुरू कर दिया था। ऐसा करने से मुझे वर्कआउट करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर आपके शरीर में प्रोटीन या विटामिन डी की कमी होती है तो वर्कआउट करते वक्त आपको बहुत थकान महसूस होगी, इसलिए आपको इनकी कमी को पूरा करना चाहिए और फिर वजन कम करने के बारे में सोचना चाहिए। हो सके उतना चबाकर खाना खाएं, उसमें कोई जल्दबाजी ना करें। आगे दीपिका कहती हैं, सुबह जल्दी उठकर मात्र 30 मिनट योगा करने से भी आपको बहुत फायदा होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थकावट हो और शरीर में दर्द भी हो, मगर योगा करना ना छोड़ें। कोशिश करें कि बच्चे के जगने से पहले ही वर्कआउट कर लें। बच्चे के उठने के बाद माँ के लिए कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आखिर में दीपिका सिंह यह भी कहती हैं कि वजन कम करने से ज्यादा आपको अपनी अच्छी सेहत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। वेल, आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा।